नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर दिलीप कुमार का आज सुबह निधन हो गया था। 98 साल के उम्र में उन्हें जुहू के कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। इसके पहले उन्हें राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी गई। देखिए कैसे दी गई विदाई। तू भी करते रहे डाल। जैसा कि आपने देखा, दिलीप कुमार साहब स्वनाम धन्य और अपने अदाकारी और उसके अंदाज को लेकर के जाने गए। कैसे पॉज लेना है, कैसे डायलॉग डिलीवरी करनी है, और अपने धुन के पक्के थे, यारों के यार थे, और जहाँ जिद की बात थी वहाँ जिद भी कर जाते थे। एक मरतबा ऐसा भी हुआ था जब उन्होंने पाकिस्तान के तत्काल प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को, जब करगिल संघर्ष हुआ था उसको लेकर के झिड़क दिया था। प्रधानमंत्री तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको बुलाया था और उनके सामने ही नवाज शरीफ से बात की थी। नवाज शरीफ से उन्होंने कहा था कि हम तो लाहौर बस लेकर के गए थे, प्रेम का पैगाम लेकर के गए थे, और आपकी सेना ये कर रही है। इस पे नवाज शरीफ से कोई जवाब नहीं बना था। उन्होंने ये कहा था कि मैं जनरल मुशर्रफ से बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले ही अटल बिहारी वाजपेयी ने उनकी बात काटी और कहा कि यहाँ पे एक ऐसी शख्सियत बैठी हुई है जो हम दोनों की बात सुन रही है, और आप लीजिए अगली आवाज़ उनकी। इसके बाद दिलीप कुमार साहब लाइन पर आए और उन्होंने कहा कि मियाँ नवाज साहब, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किस तरीके से भारतीय मुसलमानों की ऐसी परिस्थिति में अकबर स्थिति हो जाती है। कहते हैं कि नवाज शरीफ से कोई बोली नहीं निकल पाई थी और ये इधर से दिलीप कुमार बोलते रहे थे। बाकी उन्होंने 1944 में फिल्मों में पदार्पण किया था। देविका रानी उन्हें फिल्मों में लेकर के आई थी। यूसुफ खान से उन्होंने ही दिलीप कुमार बनाया था। 63 फिल्मों में इन्होंने काम किया था और एक से बढ़कर एक, और इस तरीके से उनका पूरा करियर रहा, सफ़र रहा, शानदार सफ़र। और 100 साल पूरा करने से पहले ही 98 ईयर्स की एज में वो कूच कर गए इस दुनिया से। हालांकि डॉक्टरों की कोशिश थी कि किसी तरीके से उन्हें 100 साल तक जिंदा रखा जाए, खुद डॉक्टरों ने ही बताया था, लेकिन ऐसा हो न सका क्योंकि कुदरत के सामने किसी की नहीं चलती। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए।